आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने देश की औद्योगिक नीति पर सवाल उठाए हैं। इसके पहले आरबीआई के पूर्व गवर्नर ने देश में चिप मैन्युफैक्चरिंग के लिए सब्सिडी देने पर सरकार की नीति पर भी सवाल उठाए थे। अब औद्योगिक नीति पर आरबीआई के पूर्व गवर्नर का क्या कहना है, उन्होंने कौन से बड़े सवाल उठाए हैं, इस रिपोर्ट में हम आपको पूरी डिटेल से बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं सौरभ दीक्षित और आप देख रहे हैं बिस्तक। आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन के मुताबिक औद्योगिक नीति की पिछली नाकामियों की याद दिलाने वाले तमाम उदाहरणों के बावजूद सरकारें फिर से सब्सिडी, रेगुलेशन और संरक्षणवाद की राह पर चलने लगी हैं। औद्योगिक नीति के नए प्रचारक अब इसकी रीब्रांडिंग औद्योगिक रणनीति के रूप में कर रहे हैं। उनकी महत्वाकांक्षाएं पहले से बड़ी हैं। इंस्टीट्यूट फॉर इनोवेशन एंड पब्लिक पर्पस यानी IIPP के लिए हाल ही में जारी मिशन ओरिएंटेड इंडस्ट्रियल स्ट्रेटजी नामक ग्लोबल रिपोर्ट में 2035 तक कार्बन उत्सर्जन को आधा करने जैसी महत्वपूर्ण चुनौती से शुरू करते हुए लक्ष्यों को विभिन्न मिशनों में विभाजित किया गया है और देश के महत्वपूर्ण पदाधिकारियों को इससे जोड़ा गया है। पर मंत्रालयों, निजी क्षेत्र, यूनियनों और सिविल सोसाइटी पर जरूरत से ज़्यादा भरोसा करने वाले ये भूल जाते हैं कि सरकारों की बुनियादी प्रवृत्ति दखल देने और अपना विस्तार करने की होती है। नई औद्योगिक रणनीति जहां बेहतर प्रशासन के लिए विचार प्रस्तुत करती है, वहां ये उपयोगी है, लेकिन जब ये निजी क्षेत्र में हस्तक्षेप की वकालत करने लगती है तो खतरनाक हो जाती है। इसमें सब्सिडी, कर्ज, करों में छूट, टैरिफ, सरकारी खरीद आदि की मदद से बाजार के चुनिंदा प्रतिभागियों को न केवल आर्थिक बल्कि सामाजिक और पर्यावरणीय लक्ष्यों के लिए भी काम करने के लिए सूचीबद्ध किया जाएगा। रघुराम राजन का कहना है कि पुरानी औद्योगिक नीति की तरह ही ये दृष्टिकोण प्रतिस्पर्धा को कमजोर करता है और इस पर जोर देता है कि कॉरपोरेट्स के प्रदर्शन को मुनाफे की बजाय अन्य चीज़ों के आधार पर जज किया जाए, जिसमें राष्ट्रीय हित भी शामिल है। यही कारण है कि औद्योगिक रणनीति भले ही इसके इरादे नेक हो, निजी आर्थिक प्रयासों को क्षति पहुंचाती है। लॉबनिंग, क्रोनिज्म और भ्रष्टाचार को भी अगर इसमें जोड़ दें, जो कि अरबों डॉलर की पेशकश करने वाली तमाम सरकारी पहलों में अमूमन पाए जाते हैं, तो ये विश्वास करना कठिन हो जाता है कि ये दृष्टिकोण दुनिया की बड़ी चुनौतियों के लिए आदर्श समाधान हो सकता है। चूँकि औद्योगिक रणनीति किसी सरकार द्वारा लागू की जाती है, इसलिए इसकी रुचि वैश्विक या व्यक्तिगत जरूरतों के लिए नहीं बल्कि राष्ट्रीय हितों में होगी। ये समझने के लिए कि ये एक समस्या क्यों है, चिप मैन्युफैक्चरिंग पर नज़र डालें। थोड़े बहुत आर्थिक क्षमता वाले दुनिया का हर देश आज वैश्विक किल्लत से बचने और युद्ध की स्थिति में सैन्य उत्पादन जारी रखने के लिए चिप का घरेलू प्लांट चाहता है, लेकिन चूँकि कोई भी देश अपनी ज़रूरत के सभी चिप्स नहीं बना सकता, इसलिए घरेलू निर्माता इसकी किल्लत से सुरक्षा का आश्वासन नहीं दे सकते। अगर किल्लत ग्लोबल है तो कारण भी ग्लोबल ही होना चाहिए, जैसे कि महामारी, तब घरेलू चिप निर्माता इससे कैसे बचेंगे। राष्ट्रीय सुरक्षा का तर्क भी इसी समस्या का सामना करता है। चिप निर्माता देशों द्वारा रूस पर कठोर पाबंदियां लगाई गई हैं, लेकिन इसके बावजूद वो चिप्स से सुसज्जित आधुनिक शस्त्रों के जरिए एक जोरदार युद्ध छेड़े हुए है, और ये स्थिति तब है जब रूस के पास अपना कोई चिप निर्माता तक नहीं है। सबसे हाईटेक चिप बनाने वाली एक मशीनें नीदरलैंड में ASML द्वारा निर्मित की जाती हैं, जो उन्हें किसी किल स्विच की मदद से दूर से भी बंद कर सकती हैं। कुल मिलाकर रघुराम राजन के मुताबिक ऐसे में भारत जैसी मध्यम आकार की अर्थव्यवस्थाओं के लिए इस उन्माद से दूर रहना ही समझदारी होगी। लेकिन औद्योगिक रणनीति उन नेताओं के लिए बहुत लुभावनी है जो चमकदार नए उद्योग बनाने का श्रेय लेना चाहते हैं। आरबीआई के पूर्व गवर्नर ने सवाल उठाया कि चिप सब्सिडी के लिए 10 अरब डॉलर का वादा करने के बाद भारत भी इसके लिए 15 अरब डॉलर की और सब्सिडी देने की बात कर रहा है, जिसे वह वहन नहीं कर सकता। क्या ये पैसा हजारों उच्च गुणवत्ता वाले प्राथमिक विद्यालय, हाई स्कूल और सैकड़ों सीट स्थलीय विश्वविद्यालय खोलने में बेहतर खर्च के लिए नहीं किया जा सकता था? आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। और बिजनेस जगत की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहे बिस्तक के साथ। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान है, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।